धार के समीप झाबुआ जिले के तारखेड़ी ग्राम में एक चमत्कारी विश्व मंगल हनुमान का मंदिर है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को ही भगवान हनुमान के दर्शन होते हैं। यहाँ दो दिन मंदिर में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। यहाँ लोगों का मानना है कि मूर्ति के दर्शन से ही मनोकामना पूर्ण होती है। इस बारे में पंडित कालीचरण दास वैष्णव ने बताया कि उनके पिता राम प्रपन्न वैष्णव ने 12 मई 1956 को पूर्व जन प्रेरणा शक्ति से पेटलावत तहसील के ग्राम तारखेड़ी में विश्व मंगल हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। देपालपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। आपका नाम? विनोद पाटीदार जी। कहाँ से आए विनोद जी आप? खाचरा उज्जैन जिले से। उज्जैन जिले से। बाबा की ऐसी क्या विशेषता है जो लोगों को अपने दर्शन के लिए खींचा छप बुला लेती है, चला जाता है? विशेषता क्या बताऊँ मैं, इसी विशेषता में खुद मतलब करीबन 2011 से आ रहा हूँ, तो मेरी हर मनोकामना यहाँ पर पूरी हुई है। मैं हर एक से यही विनती करूँगा कि बाबा का दर्शन एक बार जरूर करें, तो बार बार खुद अपने आप ही आ जाएंगे। सुना मतलब कहा जाता है यहाँ पे कि 5 अगर मंगलवार अगर किसी ने नित्य बोले बाबा के दर्शन कर लिए तो उसकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो भी मन में जो आपका काम रहता है उसकी धारणा करके 5 मंगलवार कर लीजिए, आपका काम पूरा सफल होगा, 100% होगा। बाबा का जो प्राचीन मंदिर है इसकी और क्या क्या विशेषता है? मैं ज़्यादा मुझको से जानकारी तो नहीं है, पर मैं 2011 से आ रहा हूँ, अच्छे मतलब यहाँ पर जुड़ा हूँ, व्यवस्था अच्छी है यहाँ पर, जब मन्नत करते हो पूरी भी होती है। आप प्रति मंगलवार आते हो? मैं महीने में एक बार मंगलवार आता हूँ। गुरु जी, ये जो विश्व प्रसिद्ध तारखेड़ी मंदिर है, बाबा बालाजी का धाम है, इसकी क्या विशेषता है और ये इसकी स्थापना किसने की थी और क्यों यहाँ पे इतने श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है? देखिए सर, हमारे पिताजी को स्थापना अवस्था में मालिक ने दर्शन दिए थे और मूर्ति भी कहाँ से लाई नहीं गई है, स्वयं वो प्रकट है यहीं से, जहाँ पे अभी मालिक विराजमान है वहीं से खुदाई करके निकाली गई और हमारे पिताजी के द्वारा ही 12 मई 1957 को प्राण प्रतिष्ठा करके प्रति मंगलवार, नवरात्रि, गुरु पूर्णिमा और हनुमान जयंती को चोला पूजन, अभिषेक, सुंदरकांड, यज्ञ, ध्यान योग, मंगल आरती और गदा आशीर्वाद की सेवा उनके द्वारा ही प्रदत्त है और पहले उन्होंने ही यहाँ पर ये साधना की है। इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? हमारे पिताजी के द्वारा 12 मई 1957 को स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठित कर इस स्थान का संचालन प्रारंभ किया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कई लोगों को बाहर वादा होता है तो यहाँ से सही होकर जाते हैं। बाहरी वादा हो, शारीरिक बीमारी हो या आर्थिक व्यवस्था हो, लोग स्वतः यहाँ पर मन्नत लेकर और हमारे पिताजी की साधना का ऐसा परिणाम है कि स्वतः हमारे द्वारा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता है, केवल उनके द्वारा प्रदत्त साधना का ही हम संचालन करते हैं। बाकी स्थान पर दर्शन, पूजन का जल, रक्षा सूत्र, यज्ञ, भस्म और गदा आशीर्वाद के माध्यम से ही लोगों को यहाँ पर असीम सुख मिलता है। कहा जाता है कि 5 मंगलवार जिन्होंने भी बाबा की के दर्शन कर लिए उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा जो भी दर्शनार्थी हमारे स्थान पर आते हैं वो ऐसी मन्नत ले लेते हैं और बहुत से साधकों को इस प्रकार का उनकी सुख भी प्राप्त हुआ और उनको इच्छाएँ भी उनकी पूरी हुई है। बहुत से हमारे स्थान पर गोद भरे का भी कार्यक्रम नहीं किया जाता है संचालित, लेकिन केवल मन्नत के माध्यम से ही बहुत सी माताओं के यहाँ पर संतान की प्राप्ति भी हुई है। जैसे कि बाबा जी, अभी चल रहा है COVID-19 का दौर चल रहा है, जिसमें लोगों को सख्त हिदायत है जो घरों से बाहर ना निकले, मुँह पे मास्क, ऐसे टाइम में फिर अपन ने यहाँ पे मंदिर संचालन में किस प्रकार की अपन ने उन लोगों को सेवाएँ दी हैं? जिससे यहाँ पर स्थान पर मंदिर के द्वारा लोगों को मास्क की भी सलाह दी जा रही है और उनके सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है स्थान पर, और दर्शनार्थियों को बिना मास्क पहने मंदिर के अंदर हम प्रवेश भी नहीं देते और पूर्ण सुरक्षा के साथ उनको दर्शन करवा के और मंदिर से बाहर भेजते हैं। सर, ये एक श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का मंदिर है और बाबा की तो हर लोगों को के प्रति बाबा की श्रद्धा होती है, तो जो मंगलवार के दिन विशेष यहाँ पे एक कार्यक्रम होता है और हवन पूजन होता है, उसमें फिर भीड़ को कैसे नियंत्रित की जाती है? नहीं, मंदिर और हवन पूजन यज्ञशाला जहाँ पर बनी हुई है वहाँ तक तो किसी दर्शनार्थी को आने ही नहीं देते और उसमें किसी प्रकार की भी साधना में हमारे को
संचालन में कोई दिक्कत नहीं होती है। 1:30 बजे के बाद में ही, जैसे ही पूरी सेवा पूर्ण हुई उसके बाद में दर्शनार्थियों को मंदिर के अंदर प्रवेश देकर और दर्शन करवाते हैं। इस जो मंदिर है इसमें सर कितने सेवक हैं जो बाबा की सेवा में नित्य दिन रहते हैं? यहाँ पर हर मंगलवार को करीब हमारे स्थान से जुड़े हुए 40 साधक लोग हैं जो हर मंगलवार को, नवरात्रि को, गुरु पूर्णिमा को और हनुमान जयंती को यहाँ पर सेवा में संलग्न है और वही सभी प्रकार की व्यवस्था का संचालन करते हैं। बाबा जी आपका नाम? मेरा नाम है कालीचरण दास वैष्णव और हमारे पिताजी का नाम है पंडित श्री राम प्रपन्न वैष्णव और उनके द्वारा इस स्थान की स्थापना की हुई है और उनके साधना का ही परिणाम है कि आज आप जितने भी दर्शनार्थी और जितना भी ये नाम सुन रहे हैं उनके साधना के फल स्वरूप आज जो भी साधक दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं उनको वो सुख की प्राप्ति और मन्नत की पूर्णता मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।